से बैठ रहे हैं कभी पास में, कोई अधिकारी अगर गया हो तो बताइए का बच्चा बच्चा कोई बताए कहा हम जहर खाए नहीं हुआ नहीं क्या जहर खा ले वहाँ पर आप बता दे रहे हम गलत मांग को लेकर बैठे हैं। आप कह दीजिए कि हम मांग नहीं मानेंगे जो है मैं कौन होता हूँ यार एक भी पुलिस अधिकारी वहाँ पर नहीं आप भेज रहे हैं शासन स्तर का फैसला आपको कम से कम सुरक्षा के लिए कुछ इंतजार करना चाहिए कोई चीज वहाँ पर जवाबदारी आपने देखी बताइए आप विश्वविद्यालय नहीं देते लेकिन दर्द को समझना चाहिए हमें कुछ होगा तो आपकी जिम्मेदारी है आपकी बात पहुँचा दी जाएगी अगर जिले में अगर जिले में जरा भी नहीं कुछ होता है जिले में जरा भी होता है और अंतिम पुलिस का प्रशासन है पुलिस का प्रशासन जरा भी होता है और इतना दस दिन से अनशन अनशन कर रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं आप लोग कौन से आप लोगों ने पता है कि हमें ज्ञापन देना है हम इन्हें धरना करते हैं ज्ञापन देना है 13 तारीख को ज्ञापन करते हैं सब बुलाते हैं ज्ञापन देंगे 13 तारीख को ज्ञापन दिए थे आपके यहाँ मौजूद है कमिश्नर आपको ज्ञापन देते उसकी रिसीविंग 14 आंदोलन शुरू हुआ 13 को ज्ञापन दिया गया था सबको अवगत चाहिए आप जिलों के ज्ञापन देते हैं आप जिले के जिम्मेदार अधिकारी अगर आप भी ऐसा नहीं करेंगे ज्ञापन दीजिए ज्ञापन तो हम देंगे हम 25 तारीख से अनशन करने जा रहे हैं आपका जो रवैया मुझे नहीं पता है जो भी होगा देखा जाएगा विश्वविद्यालय के लिए और किसी ने सुना 25 तारीख से अनशन करने जा रहे हैं और मुझे अगर कुछ हुआ अभी लोग अगर कुछ हुआ तो शासक प्रशासन दोनों दे रहे हमको अवगत करा रहे हमें वहाँ ज्ञापन देना वहाँ जाके ले रहे हैं आपने तो कभी अवगत नहीं कराया कि हमें ज्ञापन देना वहाँ आ जाइए गांधी पार्क आ जाइए कहीं चार आदमी इकट्ठा हो जाते हैं तो पुलिस वहाँ पर पहुँच के जायजा लेते हैं क्या कारण है और यहाँ 10 दिन से इतने लोग धरना दे रहे हैं आपने किसी भी पुलिस अधिकारी को अगर भेजा हो तो यहीं पर मेरे सामने प्रस्तुत कीजिए उसको आप बताइए तो आपने बताया है कि हमें ज्ञापन देना है 13 तारीख को हम लोग ज्ञापन दिया था क्या बात 13 तारीख को ना ज्ञापन दिया था 14 तारीख को हम भी जिले में हमको तो जहाँ भी बुलाया जाता ज्ञापन देने के लिए आपसे तो ज्ञापन ज्ञापन रख रहे हैं सर 13 को ज्ञापन दिया गया 14 से आंदोलन शुरू हुआ 10 दिनों के भीतर किसी के कान पे जू तक नहीं रेंगा है या पेट्रोल डाल के वही आग लगा ले तब आप लोग दागेंगे कि नहीं बहुत गलत हुआ लाओ जो है जो नीतिगत फैसला वो नीतिगत फैसला नहीं होता है ना आप शासन ज्ञापन ज्ञापन का इशू नहीं है सर इशू ये है कि 10 दिन हो गए एक जिम्मेदार अधिकारी होने के लिए सबको पता है ही बगल में साहब को भी पता है पेपर में भी मिला है पेपर में भी मिला है पेपर में भी मिला है वीडियो में चल रहा है नॉर्मल चीजें होती है ये तो आप न्यूज़ सोशल मीडिया सब चल रहे हैं आज के दिन में चार लोग डिप्टी लग जाए सब झूठा बोल रहा है हमारे गोंडा पोस्ट पे लगातार चल रहा है गोंडा मांगे विश्वविद्यालय गोंडा मांगे विश्वविद्यालय पूरी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो पूरी करो पूरी करो पिछली बार भी दूसरा कोई ले लिया फिर कह रहे हैं पहले खड़े होते हैं अरे थाना अगर महोदय जरा इसको उठवा लीजिए तो तुरंत कहेंगे और आप कह रहे हो कि मुझे पता ही नहीं है सर क्या बात कर रहे हो आप लोगों ने ये बताया कि हमें ज्ञापन देना है अरे सुनिए 13 तारीख आपने चिट्ठी पहुंच गई है ज्ञापन देने के लिए हाँ सर 13 हम लोग आके ज्ञापन दे 13 को यही दिख गए जब 10 दिन में सर कोई नहीं सुना तब दोबारा आना पड़ा 10 दिन में जब कोई नहीं सुन रहा है सब दोबारा आना पड़ा जनप्रतिनिधियों को लेकर मुख्यमंत्री को अपने रक्त से पूरे गोंडा वासी चिट्ठी लिखे उसको भी रिपोर्ट कर दे रिसीविंग कहे तो आप दिखा दे ये भी बात नहीं माने इसके बाद 25 तारीख से अनशन करने जा रहे हैं आप जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं कुछ तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जिले के लोग हमारे नागरिक यहाँ पर बैठे हैं पानी बरस रहा है धूप निकल रही है कोई तो सुरक्षा व्यवस्था या वैसे भी जा भैया कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ये जानने के लिए आप आ जाते हैं आप विश्वविद्यालय ले पाएंगे मुझे भी पता है लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी